फ्रेंड्स हाउ आर यू आई होप यू आर वेल। संस्कार भारती क्लासेस में आज का सब्जेक्ट है हमारा मैथ क्लास है हमारी पीपी टू क्लास। आपके काम के कौन से लेवल 30 तक कंप्लीट हो गई है जिसमें कि आपको ये सब एक्टिविटी कंप्लीट करनी आएगी तब भी आपके काम भी होगी, जैसे कि वर्क कम आफ्टर को फिल करना, वर्क कम बिफोर को फिल करना, सर्कल का लार्ज नंबर को करना एंड सर्कल का स्मॉल नंबर को करना, मिसिंग नंबर को फिल करना एंड काउंट एंड राइट नंबर को करना, तभी आपके वन थर्टी काउंटिंग कंप्लीट होगी। एक बार आप रिपीट करेंगे काउंटिंग को, ये है हमारा नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब 11th लाइन आपको कैसे बोलनी है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। इस लाइन को आप नीचे डिवीजन में मिस्टेक करते हैं, इसको कटा 1, 3, 13, 1, 4, 14 कैसे ना बोलवाएं, इसको बोलना है 13, 14, 15 ताकि बच्चा डिवीजन में अच्छे से कर पाए इसको। नेक्स्ट लाइन है हमारी 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो डिक्टेशन में आप कैसे करेंगे, डिक्टेशन जब आपको पेरेंट्स बोलेंगे या टीचर बोलेगा आपका, आपको बोला नंबर 9, तो 9 सिंगल नंबर है जिसके आगे हम लगाएंगे 0। फिर नेक्स्ट आपको बोला जाए 14 नंबर में आप 1 लगाएंगे 14। नेक्स्ट आपको बोले जैसे 27, तो 20 में हमें ध्यान रखना है 20 से 20 बनाया तो 20 बोलते हैं आप पहले लगाएंगे 2 नंबर 26। इस प्रकार से आपको डिक्टेशन करना है। फिर आपका वर्कम आफ्टर ये क्या नंबर है, 3 नंबर। अगर लाइन आपकी बॉक्सिस नंबर के बाद में बनाए तो समझो आपको वर्कम आफ्टर करना है, और अगर लाइन या बॉक्स नंबर से पहले बनाए तो आपको वर्कम बिफोर करना है। तो 3 नंबर का आफ्टर कैसे करेंगे, आप काउंटिंग को बोलेंगे सीरियल से 1, 2, 3, 4। तो 3 नंबर के बाद हमने क्या बोला है, 4 नंबर। तो 3 नंबर का आफ्टर हो गया हमारा 4 नंबर। नेक्स्ट नंबर है हमारा 16, तो ये हमारा पड़ता है 11 की लाइन में, तो हम 11 की लाइन को 16 तक बोलेंगे तो हमें आफ्टर का अपने आप पता चल जाएगा 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो हमने बार बार क्या नंबर बोला 16 के 17, तो यहाँ 17 फिल करना है। नेक्स्ट है हमारा 9 नंबर के बाद क्या आता है हमारा 10 नंबर, इसको आप बनती लाइन को काउंट करेंगे तब आपको पता चलेगा 9 नंबर के बाद आ गया 10। ये है हमारे 20 लाइन का, तो 21 से स्टार्ट करेंगे काउंटिंग, 21, 22, 23, 24, 25, क्या नंबर है हमारे 25, और इससे आगे बोलेंगे 26, तो 25 का आफ्टर हो गया 26। इस प्रकार से हमें आफ्टर करना है, फिर करना है बिफोर जो कि पहले वाला नंबर होता है। तो 6 नंबर लिखा हुआ है तो हमें 6 का काउंटिंग बोलना है, और 6 से पहले क्या बोल रहा है वो हमारा बिफोर होगा। तो बोलना मेरे साथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 नंबर से पहले हमने क्या बोला है 5 नंबर, ये हमारा 6 नंबर का बिफोर हो गया 5 नंबर। नेक्स्ट है हमारा 18, तो ये है हमारा 11 की लाइन का, तो 11 की लाइन में हम 18 तक काउंटिंग बोलेंगे, और 18 से पहले क्या नंबर बोलेंगे 17, उसको हम यहाँ पे फील करेंगे 18 से पहले कौन सा नंबर बोलेंगे 17। ये है हमारा 10 नंबर से पहले क्या बोलते हैं हम 9, इसमें हम 1 से 10 तक काउंटिंग बोल के देखेंगे और इसको ढूंढेंगे। ये है हमारा 24, ये हमारा 20 लाइन का, तो 21 से काउंटिंग बोलेंगे 24 तक, और उससे पहले क्या आएगा 23। इस प्रकार से हमें आपको ढूंढो को करना है। आगे है हमारा सर्कल का लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट यानी कि बड़ा नंबर, बड़ा नंबर जो भी नंबर आपको दिए गए हैं उनमें से काउंटिंग में जो हमने सबसे बाद में बोला है, सबसे बाद में काउंटिंग में आएगा वही हमारा बड़ा नंबर होगा। ये 1 से 10 तक की काउंटिंग के नंबर है, इनमें 3 हमारा आ गया यहाँ पे
उसके बाद है एट नंबर, एट है हमारा यहाँ पे, फाइव नंबर है हमारा यहाँ पे और सिक्स नंबर है यहाँ पे। तो हमारा सबसे बाद में नंबर कौन सा है? एट नंबर। तो एट नंबर हमारा क्या हो गया? लार्जेस्ट नंबर। नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है हमारा टेन, सेवन, टू, थ्री। तो टू नंबर हमारा यहाँ पे है, थ्री नंबर हमारा यहाँ पे है और सेवन नंबर यहाँ पे है। सबसे बाद में हमारा कौन सा नंबर है? टेन नंबर। तो इसमें हमारा टेन नंबर लार्जेस्ट नंबर। फिर है हमारा स्मॉल नंबर, स्मॉल यानी कि छोटा। छोटा नंबर तो सबसे पहले बोला काउंटिंग में, जो नंबर आपको दिए गए हैं उनमें सबसे पहले जो नंबर है काउंटिंग में वो हमारा स्मॉल नंबर होगा। तो काउंटिंग में क्या लिखा है? टू नंबर, सिक्स नंबर, फोर नंबर और सेवन नंबर। तो इनमें सबसे पहले काउंटिंग में हमारा होता है टू नंबर। तो टू नंबर हमारा है स्मॉल नंबर, क्योंकि फोर नंबर भी बाद में है काउंटिंग में, सिक्स सेवन भी बाद में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट, नाइन, सिक्स और थ्री नंबर। तो इनमें भी एट भी बाद में है, नाइन भी, सिक्स भी, तो हमारा थ्री नंबर है स्मॉल नंबर, क्योंकि ये काउंटिंग पहले है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मिसिंग नंबर, यानी कि आपको बीच में नंबर को फिल करना है। आपको सीरियल से काउंटिंग बोलते जाना है, जो नंबर लिखा हुआ है उसको नहीं लिखना, जो नंबर बीच में छूट गया है उसको फिल करना है। तो वन नंबर हमारा लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम काउंटिंग की? जैसा कि आप आउटर में लिखते हैं फोर के बाद वाला फाइव नंबर, इसी प्रकार से आपकी मिसिंग काउंटिंग। सिक्स नंबर आपका राइट है, आगे सेवन नंबर, फिर एट नंबर आपका लिखा हुआ है उससे आगे लिखेंगे हम नाइन नंबर, फिर है हमारा टेन, इलेवन आपका लिखा हुआ है फिर आगे आपका ट्वेल्व। नेक्स्ट थर्टीन लिखा हुआ है, फिर आप फोर्टीन, फिफ्टीन, सिक्सटीन, सेवनटीन, एटीन लिखा हुआ है, फिर है नाइनटीन और ये ट्वेंटी हमारा लिखा हुआ है। ये हमारा ट्वेंटी तक के बेसिक नंबर है। अगला टॉपिक है हमारा काउंट एंड राइट। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको काउंटिंग की आइडेंटिफाई अच्छे से होगी, डिक्टेशन को भी आप तभी से लिख पाएंगे और काउंट एंड राइट भी तभी कर पाएंगे। हमें डिजिट को काउंट करना है स्लो स्लो, फिर बॉक्सेस में नंबर को लिखना है। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, इतने स्टार बने हैं सिक्स। तो सिक्स को हम लिखते हैं बॉक्स के अंदर, नीचे वन, टू, थ्री, कितनी पिक्चर है? थ्री पिक्चर। तो थ्री को लिख देंगे हम बॉक्स में, नीचे पिक्चर है वन,